हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं आपके साथ आम के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये आम जो है बाजार में इसलिए अवेलेबल है, अचार वाले आम, तो आप बाजार में जाके खरीद लें क्योंकि वहाँ कटे हुए भी मिलते हैं। तो ये मैं बाजार से ही मेरे कटे हुए खरीदे हुए आम हैं। तो आप चाहे तो घर में भी ला के कच्चे आम कट कर सकते हैं, नहीं तो बाजार में भी अवेलेबल है। तो ये देखिए, मैंने बाजार से कटे हुए 8 टुकड़ों में मैंने कटवा लिया था, छोटे छोटे टुकड़े करवा लिए थे। तो आप चाहे तो जिस साइज के आप रखना चाहते हो, बड़े तो अचार नहीं, 4 टुकड़ों में ही अच्छे होते हैं, इतने छोटे। तो बस आप इसी टुकड़ों में कट कर ले या कटवा करके ले आए। बस इसको धो करके और हमें 4-5 घंटे तक धूप में, अच्छी धूप हो तो 4-5 घंटे और कम धूप हो तो एक दिन पूरा सुखाएंगे। मसालों में मैंने सबसे पहले सौंफ, जीरा, अजवाइन, कलौंजी, लाल मिर्च, धनिया, मेथी और सरसों। मेरे आम 3 kg हैं तो उसके हिसाब से मैंने मसाले सारे 100-100 ग्राम के पैकेट लिए हैं। अगर लाल मिर्च तीखी हो तो आप उसका देख लेना, नहीं तो बस अब इसे हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे ब्लैक करके नहीं भूनना है, बस थोड़ी सी इसकी मॉइस्चराइजर जो होते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाए, बस इतना ही हमें भूनना है। तो चलो सबके एक साथ ही मैं भून लेती हूँ। तो मैंने मेथी, धनिया, सरसों, जीरा और मेथी, इन चारों को मैं डाल के अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लूँगी, बस थोड़ा कलर चेंज करूँगी। तो देखिए चटकने लगे हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बस हमें इतना ही भूनना है इसे। बस अब हम गैस बंद कर देंगे, हमारा ये भून चुका है और इसको हम निकाल के दूसरे बर्तन में रख लेंगे। अब गर्म कढ़ाई में ना छोड़े ना तो वो जल जाएगी। अब इसमें हम मिर्च डाल देंगे। तो देखिए अब मिर्च को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। ये भी चटकना शुरू हो चुकी है। तो बस ये भी अब भून चुकी है, देख लो। बस इतना ही हमें इसे भूनना है। तो बस इसे भी हम निकाल लेंगे और अब इसे हम पीस लेते हैं, थोड़ा ठंडा कर ले मसालों को और फिर उसके बाद इसको पीस ले। तो चलिए मिक्सर जार लेते हैं और उसमें मसालों को पीसते हैं। तो बस सबसे पहले मैं धनिया, मेथी और सरसों को पीस लूँगी। तो देखिए ये मेरा पीस चुका, बहुत ज़्यादा आप पतला ना करें, बस इसे थोड़ा दरदरा रखें, इसे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसे हम मिर्च को पीस लेते हैं। बस मिर्च को पीस करके तुरंत ढक्कन ना खुले, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा नाकों में लगती है, थोड़ा देर रुक जाए फिर खुले। तो देखिए मेरे आम भी सूख चुके हैं, अब इनमें हम मसाला डालेंगे। मैंने 5-6 घंटे अच्छी धूप में तो मैंने रखा धूप में। अब इसमें मैं नमक डालूंगी, हल्दी, मसाले, मसाले जितनी जरूरत होगी उतने ही डालेंगे। ये मसाले आपके खराब नहीं होंगे, तो आपको अगर फिर अचार बनाना हो तो आप इसको स्टोर करके रख भी सकते हैं। हींग, सुखा लेंगे और अच्छे से पोंछ करके हम उसमें आम के अचार
अचार को डालेंगे। हाथों की मदद से डालें। रेसिपी को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर एक और नई वीडियो, ऐसी सिंपल वीडियो लेकर मैं आती रहूँगी।